आज की आर्ट हम बनाएंगे इन फोर स्टिक के साथ, और साथ ही मैंने एक रेक्टेंगल बोर्ड लिया है और उनके ऊपर मैंने एक छोटा सा टर्मन मैन ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ मैं सबसे पहले अपने टर्मन मैन की मार्बल पाउडर की कोन से आउटलाइनिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मार्बल पाउडर की कोन कैसे बनती है इसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिसे देखकर आप भी अपने लिए एक परफेक्ट कोन बना सकते हैं। और ये देखिए, पूरी आउटलाइनिंग कवर हो गई है। अब हम करेंगे व्हाइट कलर। व्हाइट कलर ड्राई हो जाने के बाद फ्रेंड्स, मैंने एक मार्बल पाउडर की लिक्विड कोन बनाई है और उससे हम इनकी पगड़ी, मूंछ और जहां हमें फिल करना है वो पार्ट हम फिल कर लेंगे। यहाँ मैंने लिया है मोल्डेड क्रीम, दोनों पार्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और साथ ही मैंने डोरी बना ली है और जो स्ट्रिप्स है उस पर मैंने इस तरीके से डिजाइन बना करके नी डोरी को लगाते जाना है। डोरी थोड़ी थिक होगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। डिजाइन मैंने इस तरह का बनाया है, आप चाहें तो दूसरा भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने चारों स्टिक अपनी तैयार कर ली है, साथ ही इस पर जो छोटा सा डिजाइन बनाया है उस पर मैंने डिजाइन कर दिया है। किसी भी टूथपिक से भी कर सकते हैं और इसे भी हम पूरा व्हाइट कलर कर लेंगे। और अब हमारा व्हाइट कलर कंप्लीट हो गया, साथ ही हमारा जो बेस और जो हमारी स्टिक है वो भी तैयार हो गई है। तो चलिए अब करते हैं कलर। तो यहाँ मैंने टर्मन मैन के चारों तरफ किया है पोटेड पिंक कलर, बीच में तो हल्का सा पोटेड पिंक के अंदर येलो कलर मिला करके मैंने हल्का सा डार्क कलर कर लिया। उनकी शर्ट मैंने स्काई ब्लू कलर से बनाई है, साथ ही मैंने व्हाइट और ब्लैक की स्ट्रिप्स डाल दी हैं, तो शर्ट भी हम बहुत ही सुंदर लग रही है। और जो हमने चार स्टिक तैयार की थी वो मैंने चारों तरफ लगा दी है और ये हमारी एक टर्मन मैन की फ्रेम तैयार है। और बॉर्डर पर भी मैंने अपना मनपसंद कलर कर लिया है। फ्रेंड्स, कलर करने के बाद एक बार मैंने फिर से व्हाइट कलर से फिनिशिंग दे दी है। फ्रेंड्स, हमने जो उनकी पगड़ी को फिल किया था वो अब ड्राई हो गई है, तो मैंने ऊपर से एक बार कॉर्न वर्क और कर दिया है। ऊपर जो कॉर्नर से है वहाँ भी मैंने थोड़ा सा डिजाइन बना लिया है। चलिए अब इनका कलर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ इनकी मूंछ को ब्लैक कलर कर दिया है। और इस तरीके से आप टर्मन मैन को कलर कर सकते हैं। और पगड़ी को मैंने अलग अलग कलर से तैयार किया है, साथ ही मैंने ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग कर दी है। इससे पगड़ी का हर शेप, हर कलर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ये देखिए, हमारे टर्मन मैन तैयार हो गए हैं। और अब मैंने जो कॉर्नर्स पर डिजाइन बनाया था उस पर भी मैंने रेड और ब्लैक कलर करके तैयार किया है। साथ ही हमने मिरर लगा लिए हैं, ड्रॉप शेप के मैंने मिरर लगा दिए हैं। अब हमने लिखा है पधारोसा, ये मैंने मोल्डेड क्ले से ही लिख लिया है। फ्रेंड्स, पधारोसा के नीचे मैंने काफी सारे मिरर भी लगा लिए हैं। ये हेक्सागोन मिरर हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे लास्ट में हम डालेंगे रेजन। रेजन को मैंने उसी तरह मिक्स किया है जैसे कि पहले भी कई वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो को। और ये देखिए, हमारे टर्मन मैन तैयार हैं रेजन के साथ। फ्रेंड्स, रेजन से एक नया लुक मिल गया है इनको, जो हमारे टर्मन मैन है बिल्कुल एकदम ग्लास के लुक में आ गए हैं, जैसे हम ग्लास की फ्रेम कराते हैं बिल्कुल उसी तरह। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।